तो ऐसा लग रहा था कि बच्चा ठीक नहीं होगा, निराशा आ गई थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु सोगी। ये आज बच्चा बैठा हुआ है, इसको फिशर इनो हो गया था, लगभग 3 साल से पीड़ित था। तो आज बच्चे के परिवार से मतलब पेरेंट्स से पूछेंगे कि इसको क्या समस्या होती थी। तो बच्चे को क्या समस्या होती थी? लाइटिंग फूक जाती थी। और क्या दिक्कत होती थी? और चीरा लग जाते थे। चीरा लग जाते थे बच्चे को लाइटिंग करते समय? दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। और ये कब से था बच्चे को? ढाई तीन साल से। तो इससे पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया बच्चे का? हर जगह दिखा लिया। कहाँ कहाँ दिखाया? तो ऐसा लग रहा था कि बच्चा ठीक नहीं होगा, निराशा आ गई थी। लेकिन जब से यहाँ आए तो एकदम ठीक है बच्चा, ठीक है। आज इनको 2 महीना हो गया है इलाज कराए हुए, मतलब ऑक्सीजन दवाइयों से, और इन्हें डायलेट करने के लिए मैंने प्रेफर किया था। तो बच्चा एकदम स्वस्थ है। आज कोई समस्या है बच्चे को? लाइटिंग करते समय दर्द होता है बच्चा? नहीं होता। बच्चा एक स्वस्थ स्वस्थ हो, कोई दिक्कत परेशानी लाइटिंग करते समय दर्द जलन खुजली रक्त आता है? नहीं आता, एकदम बच्चा एकदम स्वस्थ है। फिशर ही नेनो था बच्चे को, जो कि फिशर के कारण क्रोनिक फिशर बन जाता है। क्रोनिक फिशर में क्या होता है, बच्चे का जो मलद्वार है वो और छोटा हो जाता है, क्योंकि स्पास में स्पिंटर स्पास में चले जाते हैं तो एक उंगली भर का भी रास्ता नहीं बचता उस मलद्वार के एरिया के आसपास। तो जब रास्ता सकरा हो जाता है तो वहां से जब लाइटिंग पास होती तो ठोकर लगने की वजह से बार बार वहां पे चीरा लग जाता है, तो वहां पे दर्द जलन खुजली रक्त आता है जब भी लाइटिंग करता था। तो बहुत ही निराश हो गए थे, हताश हो चुके थे। और फिर इन्होंने मेरा नाम सुना, फिर आए और इनको कुछ लगभग 1.5 से 2 महीने मैंने इलाज किया और इन्हें डायलेट के लिए प्रेफर किया, लॉट डायलेशन के लिए प्रेफर किया। जब से लगभग डायलेट कर रहे थे फिर उसके बाद फिर बंद कर दिया था, उसके बाद आज तक कोई समस्या नहीं आई। 2 महीने हो गए हैं, बच्चे को कोई समस्या आई है? कोई समस्या? बच्चा एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की मलद्वार की बीमारी जैसे फिशरी नेनो, पाइल्स, फिशुला, अगर कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों बेझिझक फोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।